मैं हूं अमित। गाइस एक सवाल, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब किसी के पास नहीं है और हर कोई फिलहाल उस सवाल के बारे में जानना चाह रहा है कि आखिरकार उसका जो जवाब है वो क्या होगा। मुझे भी नहीं पता कि उस सवाल का जवाब क्या होगा। गाइस सवाल ये है कि क्या हमने जिस बस को 5 महीने के लिए जमीन के अंदर गाड़ दिया था वो अब स्टार्ट होगी या नहीं होगी। गाइस यहां पर हमारी वो बस जिसको हमने पूरे 5 महीने के लिए दफन किया था जमीन के अंदर, और ये जो बस है 5 महीने तो पूरी दफन रही थी, बाहर से कांटेक्ट कुछ नहीं। और अब आप लोगों को हम लोग वैसे तो बस की जो हालत है वो दिखाई चुके हैं। गाइस देखो एक बार, पूरी जो बस है वो मिट्टी में हो रखी है, मिट्टी भरी पड़ी है। यहां पर देखो गाइस क्या हाल हो रखा है, जंग लग चुकी है, हर चीज में मिट्टी भरी पड़ी है। वहां स्टेयरिंग तक मिट्टी है, क्लच ब्रेक तो बहुत दूर की बात है, रेस वगैरह तो गाइस आज हम लोग यही देखने वाले हैं कि क्या ये जो बस है ये स्टार्ट होगी या नहीं होगी। उस जो सवाल है उसका जवाब आज मिलने वाला है। मुझे भी नहीं पता, पूरा चांसेस है कि ना हो, थोड़ा बहुत चांसेस है कि हो जाए, लेकिन अगर हो जाएगा तो गाइस वास्तव में एक चमत्कार से कम नहीं होगा। तो फटाफट से शुरू करते हैं, बहुत कुछ करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, उसके बाद में सारी चीज़ें जो है चेक करनी पड़ेगी, अगर कुछ खराब होगा फॉल्ट उसको सही करना पड़ेगा, तब स्टार्ट करने की कोशिश की जाएगी। तो गाइस फटाफट से शुरू करते हैं। सब लोग वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना। शुरुआत करते हैं मिट्टी हटाने के साथ में। गाइस बहुत सारी मिट्टी है बस के अंदर, उसको निकालना पड़ेगा। यहाँ पर गाइस ये है बस का गेट, देखो ये गेट वैसे ही है, यहाँ पर भी बहुत सारी मिट्टी है गाइस, ये भी हमको निकालनी पड़ेगी, ध्यान से आना। इसको निकाले गाइस 4-5 दिन हो गए हैं, तो यहाँ पर ये जो है मिट्टी विट्टी सूख गई है, देखो जंग तो है बट पानी जो है वो सारा उड़ गया है। सबसे पहले जो डोर है गाइस, जो स्टीयरिंग है वो यहाँ पर घूमना जो है वो स्टार्ट हो गया, लेकिन हम इसको ज़्यादा नहीं घुमा रहे क्योंकि इसमें मिट्टी घुस सकती है ज़्यादा घुमाने की वजह से। इस मिट्टी में पता है कांच है, ग्लास के छोटे छोटे टुकड़े हैं, करतार की जो उंगली है वो यहाँ से कट भी चुकी है एक बार एक ग्लास से। रहे धक्का मार हाँ, बस खुल गया गाइस, जो गेट है वो खुल गया। और यहाँ पर जो गियर लीवर है वो भी गाइस थोड़ा सा तो हमने जो है खोद खोद के निकाल दिया है, लेकिन अभी बहुत सारी मिट्टी यहाँ पे। गाइस बस के साइलेंसर तक में मिट्टी भरी हुई है, देखो एकदम पैक हो रखा है। तो बस को स्टार्ट करने के लिए तो जो साइलेंसर है वो टूट ही चुका है, आगे से जो है वो हिल रहा है, देखो कैसे हिल रहा है ये। हेलो गाइस कल हम पूरे दिन लगे रहे, उसके बाद में रात को भी लगे रहे इस बस को साफ करने में। भाई इतनी मिट्टी है इसके अंदर, मिट्टी है, कांच है, सब कुछ भरा पड़ा है, सारी तो हम निकाल ही नहीं पाए, लेकिन जो जरूरी है जो कि यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है ड्राइवर वाला, इसको खोलना भाई, ये वाला जो पार्ट है जहाँ पर जो मेन सिस्टम होता है बस का, जहाँ पर क्लच ब्रेक और एक्सेलरेटर होता है, उस हिस्से को हमने साफ कर लिया। जो गियर वाला हिस्सा है उस पर बहुत सारी मिट्टी थी, उसको हमने साफ कर लिया है। अब बारी है बस के अंदर बैटरीज कनेक्ट करने की और ये देखने की कि ये चलेगी या नहीं। सबसे पहले तो इसका जो बैटरी कंपार्टमेंट था वो खुल नहीं रहा था, तो हमने इसको जो है देखो मुड़ गया ये खोलने के चक्कर में, हमने अंदर बैटरीज वगैरह रख दी हैं और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बस को। ये है भाई बटन, दबाते हैं इसको। गाइस जो बस है सेल्फ स्टार्ट एकदम से घूमा, यानी कि काम कर रहा है लेकिन स्टार्ट नहीं हुई यार, क्या चक्कर है, फिर से करते हैं। भाई साहब जो बैटरी और जो सेल्फ स्टार्ट का मैकेनिज्म है वो घूम रहा है लेकिन ये स्टार्ट नहीं हो रही यार, ये गड़बड़ है। ओहो ये तो बहुत ज्यादा सेल्फ ले रही है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही है, सिर्फ सेल्फ घूम रहा है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है यार। ओ इसमें तेल है कि नहीं है, और इसमें डीजल तो डाल लें यार थोड़ा सा, वैसे तो था यार जब हमने इसको खड़ा किया था डीजल था इसमें, डालो। और पता है ये बस जो है ना इसकी टंकी इतनी बड़ी होती है, नॉर्मल बाइक में अगर अपन 50 का तेल भी डाल लेते हैं तो स्टार्ट हो जाती है, इसके अंदर कम से कम 5-7 लीटर डालना पड़ता है। ओके खराब तो नहीं हो गया इसमें कुछ,
इसमें पंप मारते हैं, पंप मारना पड़ेगा मेरे हिसाब से। यही है क्या? ओ तेरी, कितना अंदर जो है पंप घुसा हुआ है भाई। गाइज अंदर जो है एक पंप होता है, उसको ऐसे ऊपर नीचे करना पड़ता है, जो कि मेरे हाथ में आ चुका है फिलहाल। चलो पकड़ के रखियो, ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं कि सदियों पुरानी बस है। चलो भाई एक बार फिर से मार रहा हूँ सेल्फ, है ना। ओए ओए ओए, स्टार्ट हुई, ओ गाड़ी स्टार्ट हुई। गाइस पंप मार दे, गाड़ी स्टार्ट हुई। ये देखो है, ये क्या हो रहा है भाई, स्टार्ट हो रही है, बंद क्यों हो रही है? अरे यार, लेकिन एक बात तो है, गाड़ी स्टार्ट हो गई, इसका मतलब ये जरूर से है कि ये स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा बहुत इसमें जो है कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भाई। 5 महीने ये जो बस है ये जमीन में दबी रही है, और बावजूद उसके ये स्टार्ट हो गई है। रेस टाइट कर थोड़ी सी, रेस वहां से एक, हाँ एक गोल गोल बोल्ट होगा उसको कस दे। वैसे इसकी दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब हमने इसको बंद करके खड़ा किया था तब ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। अरे यार रेस की प्रॉब्लम है, एक काम करो रेस और टाइट करो, रेस और टाइट करो भाई। बस जो है वो स्टार्ट हो गई, इतने दिन दबे रहने के बाद दबा रहा हूँ। क्या बात है भाई साहब। अबे यार गाइस ये चमत्कार है, चमत्कार, मिरेकल हो गया। मतलब मैंने तो सोचा नहीं था ये स्टार्ट हो जाएगी भाई साहब। इस वीडियो के लिए लाइक बटन दबाना जरूर से बनता है। गाइस डालते हैं गियर, ये मैंने डाला है। कौन सा गियर डाला है ये? ओ तेरी, अरे यार कुछ दिक्कत है क्या गियर में? इसका गियर बहुत अजीब आवाज आ रही है। और वो ये गियर कौन सा डल गया पर यार? हाँ कोई नहीं, पहले मैं रिवर्स लूंगा। बस में पावरफुल है भाई, पावरफुल है बस के अंदर, उस मामले में कमी नहीं है। ओहो ओए, पीछे सेफ है ना, आगे लूंगा। अबे मैं डाल तो फ्रंट गियर रहा था, लेकिन पता नहीं रिवर्स कैसे डल गया। ये क्या चक्कर है, अपने आप जा रही है पीछे? अरे यार मिट्टी गिर रही है। अरे मिट्टी आ गई मेरे मुंह पे। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मिट्टी आ गई बहुत ज्यादा, पता नहीं कहां से मिट्टी आ रही है। तेरी, तो गाइस यहाँ पर जो बस है वो फाइनली, अबे यार बा, बा, अबे यार पूरी मिट्टी ही मिट्टी हो गई हर जगह, हर जगह आंख नाक कान बाल हर जगह मिट्टी घुस गई। लेकिन गाइस अच्छी बात यह कि जो बस है वो स्टार्ट हो गई है, और यहाँ पर भाई वास्तव में चमत्कार हो गया है। 5 महीने से जमीन में दबी हुई थी, अभी हो गई है स्टार्ट, सब कुछ बढ़िया से काम कर रहा है। एक बार में स्टार्ट होती है भाई। अरे कैमरा मैन गड्ढे में कूद गया भाई, क्या हुआ? मैं देख रहा हूँ उधर पे कहाँ शूट चल रहा है, गड्ढे में शूट चल रहा है। आ जाओ बाहर आ जाओ। अरे देख के यार बहुत गहरा गड्ढा है वो, उसमें ऐसे गलती से मत गिरो। अरे यार ओए दिक्कत ये हो रही है, बहुत ज्यादा मिट्टी आ रही है, मेरे को नहाना पड़ेगा जाके।
क्या राइड दी है। ओ भाई फिर से मिट्टी मिट्टी हो गई, अब तो आंख वाँख में असर ही नहीं हो रहा मिट्टी का। लेकिन जो बस है वो एक बीस्ट की तरह भाग रही है। देखो एक बार चलाओ ना यार इसको, मैं से देखना है दूर से कैसे दिख रही है ये। चलो 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 जान्दे। ओ यार सोचो ये बस अभी चल रही हो तेरी, ये क्या लग रही है, ये क्या लग रही है, ये क्या है भाई। खिलौना चल रहा है, मजा आ गया भाई, ये हुआ ना कुछ क्रेजी वाली चीज हुई। तो भाई अब इस बस का और क्या करना है नीचे कमेंट बॉक्स में वो भी बता देना। देखो देखो ऊपर से पूरा टूटा फूटा यहाँ पर आपको नजारा दिखेगा, और यहाँ पर गाइस कैमरा चलाना जो है वो भी थोड़ा मुश्किल है, पीछे का नजारा कुछ ऐसा दिख रहा है। और चलती बस में देखो ये देखो। क्या बात है भाई, ऐसी जो राइड है वो हर किसी को नहीं मिलती बस के छत पे, वो भी जमीन में दबी हुई के ऊपर बैठने की और कुछ इस तरीके से चलने की। मैं तो काला हो गया। तो तू जब इधर आया था तो कौन सा गोरा था? इसके अंदर जो है वो कैसा फील आता है चलने पे वो भी देख लेते। चलो भाई करो स्टार्ट। चलो जो बस है वो चल रही है फिलहाल और मिट्टी मिट्टी से भरी पड़ी है। गाइस कहाँ जाना है आपको बता देना। गाइस कहाँ चले बताओ, कहाँ चले चाहे कहीं चलो या मत चलो, इसमें बैठने का जो फील है मिट्टी को भर के जो है गाड़ी वो अपने साथ ले जा रही है। ट्रक बन गया जो मिट्टी लेके जा रहा है कुल मिला के। ओए ओए अरे ठोक मत देना, वो कैसा घुमा रहा है। अबे यार ड्रिफ्ट काट रही है गाड़ी, ड्रिफ्ट काट रही है। वाओ यार बस के इंजन में दम है यार, पावर है इंजन के अंदर, मिट्टी में चल रही है, रोड नहीं है ये कोई। गाइस यार तो गाइस अबे यार आंख नाक सब बंद हो गया यार, अंदर इतनी ज्यादा मिट्टी उड़ रही है। तो गाइज हमने तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये जो बस है ये स्टार्ट होके चलेगी, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी नहीं सोचा होगा यार। हालत देख के लगता नहीं है कहीं से कि ये जो गाड़ी है चलेगी, लेकिन हमारी हालत भी अब कुछ कुछ इसके जैसी हो गई है। तो गाइज इधर आओ देखो, आवाज़ सुन रही है ऐसे वाली, वो पता गाइज किसकी आवाज़ आ रही है, वो जो आवाज है वो आ रही है इसके ब्रेक की। कहीं ना कहीं जो इसके एयर ब्रेक है, जो ब्रेक हवा से लगते हैं, वो पाइप कहीं ना कहीं लीक हो गया और उसका जो आवाज है वो इसमें आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है गाइस, इतने ब्रेक्स लग रहे हैं कि गाड़ी जो है रुक भी पा रही है, चल भी पा रही है। देखो यहाँ से भी आवाज आ रही है, वो नीचे जो है पता नहीं क्या टच हो गया मिट्टी की वजह से, साइलेंसर टूट गया, ब्रेक्स वगैरह खराब हो गए। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आएगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि जो गाड़ी है उसकी उम्मीद थी नहीं कि वो चलेगी लेकिन चल चुकी है। तो आप सब लोग जो है वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।